干嘛呢？为了锻炼学啥？अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाह जफर और मैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके कुमराट वैली से बिलोंग करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जासबांडा में। हमने रात यहां पे गुजारी थी। हमारा प्लान था कि हम कटोरा लेक जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो प्लान मिस हो गया, हम कटोरा लेक नहीं गए। और यहाँ से हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं कुमराट वैली। कुमराट के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। अजी असना अजी जासबांडी ने वापस रवानो संग चलते खपाए पसी कना यार डेर खपाई वाला जे जासबांडी पसी खपाए आओ कर यार बोले पसी खपाए बदे कल रजु बे जे जवंदी राबु शो चक जवंदी बद बे मेरे जो डॉक दा बहुत बरा जो जासबांडी देखो खशवा यार डेर ज्यादा और कुमराट संग दे कुमराट हो डेर जबरदस्त कोरंज का शब्द जे सब मना बस जन्नत जन्नत कुमराट कुमराट तो खियो पेरम मखिम तेले वो बे आओ बे रवाने में खरस कुमराट देखो शवे दे जज बने रे खोखशवा यार टाटर जबरदस्त जज बन डर जबरदस्त जज बन जबरदस्त हां वल्लाह छ मा ऑर्डर जत आओ गुड़ो बस द मिनवाल हुई छ मुंगा जज बन तेला छ कुमराट तेला छ कम से खस्ते वाला जज जंस बांडे द लाट से बस कुमराट तो कुमराट 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 सही है और जज बांडा दाम सही है नु कमी होता लाट से यार कुबरा द जज बांडा सही है जज बांडा सही है यार बिल्कुल सही है बिल्कुल ता खो खशो दाखल गुबम खो खी गना यार ड्रेस जत बखो खशो गना कसम दे हां वापस में हम टिकट टॉप तक पहुंच चुके हैं। यहां हमने अपने लिए जीप हायर की है। हम यहां से कुमराट जाएंगे। हमारे साथ रहिए। कुमराट की मौजूदगी और रेस्ट हाउस सर हम स्टे होकर लादलता जालम खुराक मराक सिस्टम रवान कर दे। खुराक तैयार हो दी जगह की अलग सही से आप दे अरे सर तैयार शोल का ना बस सफाई शुरू है चिकन हाँ बस जर जर तैयार हुए भी आ कुकिंग दे लजा पकपल कुमा हमने रेस्ट हाउस के नज़दीक स्टे किया है। यहाँ पे हम अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ स्टे किया होटल में, कमरा यहाँ पे बुक किया है। सुबह हम इंशाल्लाह अबशार और दुजंगा ब्लैक वाटर तक जाएंगे। रात को हम यहाँ पे रुके थे, अभी हमने अपने लिए जीप हायर करके हम जाएंगे ब्लैक वाटर अबशार एंड ग्लेशियर तक। हमारे साथ रहिए। आप लोग पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आ जाए लेकिन फाइनली आप पहुँचेंगे थलवेली तक। थलवेली कोहिस्तान का सबसे आखिरी इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी मौजूद हैं, दुकानें हैं। यहाँ पे ज़रूरत जो आशिया की ज़रूरत हो सब वहाँ पे मिलता है। आगे इतने बड़े दुकानें वगैरह नहीं है, जो जो भी सामान लेना हो वो थल बाज़ार में ले गए, थल बाज़ार में ख़रीदे अपने लिए। और
गाड़ी की मैं बात करूँ, तल से जीपें हायर करो कुमराट तक और जहाजबांडा बाड़गे पास तक, जहाज भी जाओगे लेकिन अपने गाड़ी में मत जाओ क्योंकि इसके बहुत से वजूहत हैं। एक तो गाड़ी भी ख़राब होती है, एक तो और दूसरा आप लोगों को रास्तों का पता नहीं है तो रास्तों में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है और गाड़ी बहुत ख़राब होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने गाड़ी में मत आ जाइए, इसलिए रास्ते में रश भी पड़ती है। आप लोग इस तरह ड्राइविंग नहीं कर सकते जिस तरह ये लोकल लोग करते हैं, तो अपने गाड़ी में मत आ जाइए, जीप हायर करें, कुमराट भी जाओगे बिल्कुल फ्रीली, टेंशन फ्री जाओगे, ये टेंशन नहीं होगा कि गाड़ी ख़राब होगा, गाड़ी से उतरो, गाड़ी में बैठो, ये बातें वगैरह नहीं होगी, आसानी से आप अपना सफ़र आराम से करोगे। कहता हूँ कि अपनी गाड़ी मत ले आए, तल से जीप को हायर करे, तो यही वजह देखिए गाड़ी की भी पुर्जे ख़राब होते हैं और ड्राइवर भी पास होता है और रास्ता भी बंद होता है क्योंकि लोकल ड्राइवर और प्राइवेट में बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए लोकल गाड़ी जीप है, बिल्कुल आसानी से जाती है। बस थोड़ी देर में आबशार पहुंचने वाले हैं, हम जीप की छत पर बैठ गए ताकि आप लोगों को बेहतरीन तक बेहतरीन व्यूज़ दिखाएं और बेहतरीन जगह दिखाएं। बस पहुंचने वाले हैं आबशार तक। बस हम पहुंच चुके हैं आबशार तक, अब यहाँ से 5-10 मिनट फासला है, आबशार तक जाएंगे, अब हम जीप से उतरेंगे। हम जीप के छत पर आ गए थे और रास्ता बहुत मज़ेदार था, थोड़ा सख्त था लेकिन बहुत एंजॉय किया। जब भी आओगे तो कुछ लोग छत पर बैठोगे तो बहुत एंजॉय करोगे, बहुत ज़बरदस्त व्यू देखेंगे। Thank you.
آبشار کمرات آبشار बेहतरीन आबशार है कुमराट वैली का। जब भी कुमराट आओगे तो आबशार का विज़िट ज़रूर कीजिए, आबशार को मिस ना कीजिए और बेहतरीन व्यू है, बेहतरीन जगह है। दोस्तों, काले चश्मे तक हम पहुंच चुके हैं। यह है वो काला चश्मा जो बहुत लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग इसके इंतज़ार में है कि चश्मा कैसा होगा। तो यही है चश्मा। खाना हम खुद तैयार करेंगे अपने लिए हर जगह पे, जहाँ भी जाते हैं, जाज बांडा, कुमराट वैली, कालाम, सब जगह अपने लिए खुद तैयार करते हैं। इस वक्त हमने ब्लैक वाटर काला चश्मे में खाना पकाना शुरू किया है और सिलेंडर पे खाना पकाना शुरू किया है। तो सिलेंडर पे थोड़ा मुश्किल है, यहाँ एटमोसफेयर प्रेशर भी बहुत कम है, तो इसलिए टाइम बहुत लगेगा खाने में और पानी भी सख्त है। यहाँ काले चश्मे में हम लोगों ने खाना खा लिया है, अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में, रात वहाँ पे गुजारेंगे। दोस्तों, हमारा व्लॉग, हमारा सफ़र जो था वो यहीं तक था। यहीं से हम अपना व्लॉग का इख्तिताम करेंगे, हम वापस जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। अपने दोस्त शाहिद ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।